Welcome to Meridia. Assalamu alaikum, everyone. This is Umar Tariq. So continuing with our resilience series, मैंने बहुत सारी ख्वातीन को messages किए. I reached out to a lot of them. कि भाई please, I will appreciate. मुझे इतने ज़्यादा I've received more than 25 requests from females. कि देखें उमर भाई, आपने इतने लोगों के interviews किए हैं और इतनों के कर रहे हैं, कोई female नहीं है, कोई ladies की side से हमारी representation हो, कोई हमें भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, खास तौर पे कोई ऐसी जिनकी फैमिली हो, बच्चों के साथ, उनकी स्टोरी हम सुन सकें. कुछ ख्वातीन के मसले हैं, ईयर टाइम सिंस ग्रेजुएशन ज़्यादा है. तो आई थॉट कि आई शुड रीच आउट टू समवन हु हैज़ गॉन थ्रू ऑल दिस. और आई थिंक इट्स काइंड ऑफ फिटिंग, क्योंकि हम लोग डैनविल पेंसिल्वेनिया में मूव हुए, हमें 7 साल हो गए हैं, और जब से हम आए हैं हमारा सबसे ज़्यादा करीबी एक खूबसूरत बहन भाइयों वाला रिश्ता शगुफ्ता बाजी हामिद भाई से है. शी इज़ लाइक एन ओल्डर सिस्टर. उन लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प की. हम लोगों ने मिल के यहाँ अपनी मस्जिद बनाई, चलाई, और हम लोग बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप है. सो आई थिंक शी इज़ अ गुड पर्सन टू हैव फॉर दिस, एंड आई वेलकम होल हार्टेडली डॉक्टर शगुफ्ता फिरदौस. शगुफ्ता बाजी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी उमर. अच्छा, तो एक अब बताइए, अब आपसे हम पूछते हैं, आपका जो सारा सफर था, आप मेडिकल स्कूल से आपने कब ग्रेजुएट किया? मैंने किया था 1989 में. अच्छा, और निश्तर से ग्रेजुएट किया? और निश्तर से किया था, बिल्कुल. ठीक है, मेडिकल स्कूल में आपको कोई बहुत परेशानियां, कोई ट्रबल हुई थी या इट वाज ओके? नहीं, मेडिकल स्कूल मेरा बड़ा स्मूथ गया था, लेकिन उससे पहले का जो मेरा जर्नी था मेडिकल तक पहुंचना, वो बजाते खुद एक स्टोरी है. क्योंकि वो जो जमाना था ना हमारा, जब हम लोग मेडिसिन में गए, वो वैसे तो हमेशा ही कंपेटिटिव ही रहा है मेडिकल में एडमिशन, लेकिन हमारे टाइम पे ओपन मेरिट नहीं था, लड़कियों की फिक्स्ड सीट्स होती थी. तो हमारी क्लास में 300 लड़के थे और हम 30 लड़कियां थी, तो वो लड़कियों के लिए तब थोड़ा ज्यादा कंपेटिटिव हुआ करता था इस हिसाब से, क्योंकि आपने जितने मर्जी नंबर लिए हो, 30 सीट्स फिल हो गई तो बस आपका तो नहीं नंबर आएगा. दाखला नहीं हो सकता. इंटरेस्टिंग. तो आप पाकिस्तान में कहाँ से? तो हम लोग हैं पाकिस्तान में बेसिकली साहिवाल के पास एक टाउन है, रिनाला खुर्द, जहाँ पे मिचल्स फ्रूट फार्म्स है. तो वहां से हैं हम लोग ओरिजिनली. और वो उसके पास भी मेरे जो दादा थे उनका एक गांव है. तो हम लोग जो शुरू के जो मेरे साल हैं वो गांव में गुजरे थे. तो मेरे दादा क्योंकि बिल्कुल मूव नहीं होना चाहते थे, उनके सारे भाई थे, बरादरी थी उनकी वहां पे. और मेरे अब्बू की जॉब ऐसी थी कि वो पूरे पाकिस्तान में वो उनके ट्रांसफर्स होते रहते थे. तो हम लोग जब ज्यादा छोटे थे तो हम अपने दादा के साथ रहते थे, और मेरे अब्बू बलोचिस्तान में हुआ करते थे. तो वो तो साल में एक दफा आते थे. उस जमाने में ट्रैवलिंग इतनी मुश्किल थी. अच्छा, तो वो जो मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की, शुरू के जो 2 साल थे स्कूल के, वो मैं गांव की स्कूल में पढ़ा मैंने. और वो उस गांव में कोई इतना रिवाज नहीं था लोगों को पढ़ाने का. सिर्फ हमारी फैमिली थी, एक दो और फैमिलीज थी हमारे साथ जो अच्छे पढ़े लिखे पेरेंट्स थे जिनके, क्योंकि मेरे दादा पढ़ लिख गए और वो ब्रिटिश आर्मी में रहे, फिर उन्होंने आगे मेरे अब्बू को पढ़ा लिया, और फिर मेरी अम्मी पढ़ी लिखी थी, मेरी ननिहाल की साइड हाईली एजुकेटेड थी. तो वो इस तरह से ऐसे हम चले कि जो मेरा ददियाल वाली साइड थी, दे वर वेरी नाइस पीपल, लेकिन कोई पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं था. और जो ददियाल था वो बहुत तालीम के उसमें फेवर में थे. तो उसी हिसाब से मेरी अम्मी, ऑब्वियसली अम्मी और अब्बू दोनों चाहते थे कि हम लोग पढ़ें. तो मैं और मेरा भाई, हम दो ही बहन भाई थे, तो वो दोनों को खूब एजुकेट कराना चाहते थे. और अम्मी ने कभी ऐसे नहीं रखा मुझे, वो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह मुझे नहीं फेस करनी पड़ी कि ये लड़की है तो इसको नहीं पढ़ाना. मतलब इर्द गिर्द थी, वो अपने गांव में तो मैं देखती थी कि लोगों के लिए लड़कियों का पढ़ना बहुत अजीब बात थी कि ये लड़की इतना पढ़ेगी, ये डॉक्टर बनेगी, ये हॉस्टल में जाके रहेगी, लेकिन मेरी अपने घर में ये नहीं था. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा शगुफ्ता जी, आई विल टेक अ क्विक ब्रेक फॉर 1 सेकंड. चले, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट शगुफ्ता जी. तो मुझे ये बताइए कि फिर आपका जब एडमिशन हुआ था मेडिकल स्कूल में, सो यू हैड वेरी हाई स्कोर्स, और वो आप उन 30 में से थी जो कि फीमेल्स मैच हो सकी थी
इन मेडिकल स्कूल निश्तर में? हाँ, तो उस जमाने में वो हुआ करता था टॉप पे, केई का मेरिट होता था, फिर उसके बाद आई थिंक निश्तर या एफजे ऐसे कुछ होता था. तो वो मैं, क्योंकि वो मैं आपको जैसे मैंने अपना बिल्कुल बचपन का बैकग्राउंड बताया, तो मेरी अम्मी ज्यादा कंफर्टेबल थी अगर मैं एफजे में चली जाती, लेकिन एफजे में नहीं हुआ था मेरा एडमिशन, निश्तर में हो गया था. सही सही. तो निश्तर में आपका कैसा टाइम गुजरा? निश्तर में बहुत अच्छा टाइम गुजरा, वंडरफुल. अच्छा, सही है. चलें, जबरदस्त. तो निश्तर से आपने 89 से ग्रेजुएट, 89 में ग्रेजुएट किया, राइट? हाँ. आगे का, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का सफर बताइए. उसके बाद मैंने हाउस जॉब किया. वो हमारे जमाने में होता था आप या तो 6 months का हाउस जॉब कर लें एक में, और 6 का लोग यूजली मेडिसिन और सर्जरी में 6-6 महीने का कर लेते थे, या पूरे साल का किसी एक चीज में कर लें हाउस जॉब. तो मैंने चूज किया था पीडियाट्रिक्स में करना. अच्छा. तो वो जो है हमारे जमाने में ना, वो 80s में आपको याद होगा एक ड्रामा आया करता था जिसमें मरीना खान थी और वो धूप किनारे, उसमें वो पीड्स में वो बच्चों की बर्थडेज कर रही होती थी और ऐसा फन हो रहा होता था. हमें लगता था कि पता नहीं पीड्स का कितना मजेदार हाउस जॉब होगा. सही. पीड्स में मैंने पूरे साल का कर दिया. एक्सक्यूज मी. वो फिर लेकिन जब वो मैंने थोड़ा सा कर लिया, वो इस कदर, एक तो डोजेस कैलकुलेट करना, मैंने कहा वो तो मैं मैथमेटिक्स से बच के तो मैं डॉक्टर बनी थी और वो ही मुझे यहाँ करना पड़ा. और दूसरे फिर वो ना, आपको पता है पाकिस्तान में मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है बच्चों का, जी, तो वो बहुत ज्यादा वो थोड़ा, हाँ, मुझे डिप्रेसिंग लगने लग गया था. वो बच्चों के साथ आपकी थोड़ी सी अटैचमेंट हो जाती है जब आप काम कर रहे हो, और फिर वो जब बेचारे डेथ होती थी तो जितना उनकी मार होती थी उतना ही उनके साथ बैठ के मैं रोती थी. मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल मेरी जिंदगी हो जाएगी. वो फिर मैंने छोड़ दिया 6 months के बाद. और दूसरी बात ये थी कि वो बच्चों के साथ जो माएं आती थी ना, क्योंकि मैंने निश्तर में किया हाउस जॉब, तो वो साउथ पंजाब के जो बिल्कुल रिमोट एरियाज थे, गाँव वगैरह, वहां से औरतें आती थी. उन बेचारियों के पास तो कोई मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं होती, उनकी तो तकलीफें कोई सुनता ही नहीं है. तो वो जब आती थी बच्चों के साथ और उन्हें एक फीमेल डॉक्टर नजर आती थी, तो वो फिर अपने विमेन्स हेल्थ के प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस करना चाहती थी और मुझे कुछ पता नहीं होता था. तो फिर मैंने, मुझे लगा कि नहीं, ये अच्छी बात होगी अगर मैं थोड़ा सा ना OBGYN में करूं. तो मैंने वो 6 months छोड़ के बाकी 6 months मैंने गायनी में हाउस जॉब किया. और जब मैंने किया तो मुझे इतना पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी, हाँ, हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद मैंने, आपको पता है पाकिस्तान में हाउस जॉब में इतना सिखाते नहीं है, और खास तौर पे अगर आपने 6 महीने का करना हो तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लेते हैं कि आप वो मेडिसिन की लिस्ट बना के पेशेंट के अटेंडिंग्स को. ज्यादा क्लरिकल काम होता है, अनफॉर्चूनेटली. हाँ, बिल्कुल क्लरिकल काम ज्यादा. तो वो मुझे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट बहुत पैदा हो गया गायनी से. उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि हाउस जॉब खत्म होते ही ना, मुझे फैसलाबाद में एक हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल, तो वहां पे मेरे मामू होते हैं फैसलाबाद में, तो उनको एक MO की जरूरत थी. वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, थोड़ा चैरिटी हॉस्पिटल था वो, और वहां पे उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने हाउस जॉब कर लिया तो तुम इधर आ जाओ. मैंने कहा ठीक है, मैं वहां चली गई. वहां जब मैंने किया है ना काम, वहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मुझे सीखने की, और मेरी काफी इंडिपेंडेंट, मतलब मैं कर लेती थी सिजेरियन जब तक मैं निकली. मैंने तकरीबन 1 साल वहां पे किया था, जॉब की थी. तो वहां पे मुझे इतना हो गया था कि मैं सर्जरीज कर लेती थी, मेरा सर्जिकल हैंड मेरा इत्तेफाक से अच्छा था, तो मैं करने लग गई थी सिजेरियन से. एक नर्स के साथ में कर लिया करती थी, विद इन 1 year में इस काबिल हो गई थी. तो मुझे बहुत, मैंने इंजॉय किया अपने गायनी के एक्सपीरियंस को, जो कि बड़ा मेरे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मुझे गायनी पसंद नहीं थी बिल्कुल. गायनी मेरे भी ऑनेस्टली डर ही लगता था, क्योंकि काफी टफ गायनी की. मेरा ख्याल है कि जो अमेरिका में सर्जरी का हाल है ना, वो पाकिस्तान में OBGYN का होता है. राइट, के बहुत टफ लाइफस्टाइल होता है. टफ लाइफ स्टाइल है, लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ता था, क्योंकि मैं तो सिंगल थी उस जमाने में. और अगर हमारी हुआ करती थी 36 hours की भी ड्यूटी होती थी, 72 hours की भी होती थी, मैं तो बहुत इंजॉय करती थी. वहीं कॉल रूम में थोड़ा सा सो गई, उठ के फिर काम करने लग गई. मुझे वो जो था ना काम, जो इट सेल्फ था ना, वो मुझे बड़ा बड़ा उसमें मजा आता था.
तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। तो उसी दौरान में ही मेरा मेरी शादी हुई थी, वो ही वाला साल जो मैं गायनी में कर रही थी काम। ये 1991 की बात है, ये 91 की बात है, 92 की बात है ये, क्योंकि मैंने 90 में हाउस जो 92 का बिल्कुल स्टार्ट था, 91 का एंड था, 92 का स्टार्ट था। तो मेरे हस्बैंड उस वक्त यूके में थे, तो वो पहले जो है वो मेरा निकाह हो गया था हमारा, और उसके बाद मेरे पास जरा 6 months थे, तो उसमें मैं कंटिन्यू मैंने थोड़ा सा अपना ये गायनी का मैं करती रही थी। फिर बस उसके बाद जो है वो 92 में हमारी जो है ना वो शादी हुई थी एक्चुअल रुख से थी, तो उस वक्त फिर मैं चली गई थी यूके थोड़े अरसे के बाद, चंद महीने के बाद। और यूके से हमारा प्लान था कि हमने पाकिस्तान वापस जाना है। अच्छा, तो जो है हाँ वो बिल्कुल मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि कभी मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी, मेरे जहन में ये बिल्कुल नहीं था। और जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने अपनी वो कार्डियोलॉजी कर रहे थे वहां पे, वो अपनी पीएचडी करने गए थे एक्चुअली कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन में, वो उन्होंने कर ली थी, एमआरसीपी कर लिया था, तो हमारा यही ख्याल था कि अब ये बस हम वापस चले जाएंगे। लेकिन फिर वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वापस जाके करेंगे क्या। एक्चुअली हुआ ऐसे था कि वो गए थे एसएनटी के स्कॉलरशिप पे। अच्छा, तो वो जब उनकी पीएचडी करने उनको भेजा गया था जब, और कहा गया था कि हम आपको जॉब देंगे जब आप पीएचडी करके आ जाएंगे, तो वो पीएचडी जब कंप्लीट हो गई तो हम लोग वापस आए। एक ही साल हुआ था मेरी शादी को, तो उस वक्त हम लोग पाकिस्तान आए, और वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो जाके उन्होंने रिपोर्ट किया कि मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई है और मैं वापस आ गया हूँ, तो मुझे आपने प्रॉमिस किया था कि जॉब देंगे। तो वो जो बंदा आगे बैठा उसने हंसना शुरू कर दिया, उसने कहा कि जॉब्स तो नहीं है हमारे पास, तो अब आपने जो भी करना है आप कर लें, आप खुद ही जॉब ढूंढ लें। वाओ, हाँ, तो ये कब की, ये 94-95 की बात है, ये बात है 94 की। 94 की, अच्छा ठीक है। तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा? फिर हमने सोचा कि अब हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, और वो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, और है ना मेरा ख्याल है हम ओवर एज हो चुके थे। हाँ जी, यू वर। हाँ, तो उस वक्त फिर जो है वो हमने कहा अब हम सऊदी अरब चले जाते हैं, वहां से हम ना पैसे कमाएंगे जमा करेंगे और पाकिस्तान जाएंगे और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, तो ठीक है। हम सऊदी अरब चले गए। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। अच्छा, फिर हाँ हम सऊदी अरब चले गए। एक तो वहां हमारा ख्याल था कि 4-5 साल में हमारे पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि हम पाकिस्तान जाके अपना क्लिनिक बना सके। वहां पे दो हमारे बच्चे हो गए, और बस हम जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होनी शुरू हो गई पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा, और बस इवेंचुअली मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि बजाय पाकिस्तान जाने के हम चले जाते हैं अमेरिका, क्योंकि उस वक्त तक बच्चे भी हमारे स्कूल्स जाने के काबिल हो गए थे, 4 और 5 years के थे हमारे दोनों बच्चे जब हम यहाँ आए यूएसए में। तो वो मेरे हस्बैंड का थॉट प्रोसेस ये था कि बच्चों ने बड़े होके जाना तो अमेरिका ही है पढ़ने के लिए, पाकिस्तान में तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इनको नहीं मिलेंगी, तो हम क्यों ना हम भी इनके साथ ही चले जाएं बजाय इसके कि इनको बड़ा करके भेजें तो इनकी शुरू से ही एजुकेशन वहां हो। सही। तो बस फिर हम अमेरिका आ गए, ये बात है 2000 की, ईयर 2000 की बात। सही। तो वो जो हमारा सऊदी अरब का पीरियड था उसमें मुझे लगता था कि बच्चे अभी, एक बेटी तो वहां पैदा ही हुई थी, दूसरा बेटा भी उससे एक ही साल बड़ा है, तो वो ऑलमोस्ट ट्विंस की तरह बच्चे थे, मुझे लगता था कि मैं इनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दूं। मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगता था कि मैं इनको घर में छोड़ के और चली जाऊं काम करने के लिए, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड काम भी नहीं है। सऊदी अरब में जो मुझे जॉब मिलती वो सिर्फ एक उसकी पता नहीं एमओ कहते हैं उसको शायद, तो उसमें आप ना कोई पढ़ लिख नहीं रहे होते, सिर्फ आप काम कर रहे होते हैं और वो आपको पैसे दे रहे होते हैं, और पैसे भी कोई इतने ज्यादा नहीं होते कि आप उसके लिए वो छोड़ दें। आपने सऊदी में फिर जॉब नहीं की?
हाँ मैंने वहां जॉब की, अच्छा, मैंने सोचा कि ये बच्चे तो अभी ज्यादा छोटे हैं, इनको थोड़ा बड़ा कर लो। सही है। तो वहां भी मैंने कोई, लेकिन जो मैंने यहाँ पे गलती की वो मुझे ये अंदाजा नहीं हुआ कि मैं जो बिल्कुल मैंने छोड़ दिया है अपने प्रोफेशन को, तो इससे मुझे नुकसान होगा इन द लॉन्ग रन। मैं जाहिर है बिल्कुल स्टेल होती जा रही हूँ, और ये मैंने नहीं सोचा था। ऑल्दो कि मेरे बैक ऑफ माइंड में हमेशा ये था कि मैं, मुझे घर नहीं बैठना है ऐसे, और मुझे दोबारा अपना वही काम करना है, मेडिसिन में जाना है मुझे वापस जी। तो बस, लेकिन ये उस वक्त वो ना हर फेज के कुछ आपके ख्यालात होते हैं, एक खास टाइम पे कुछ आप और सोच रहे होते हैं, बाद में व्हेन यू लुक बैक तो आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं था, ऐसे करना चाहिए था। सही। तो बस फिर 2000 में हम यहाँ आए, 2001 में मेरे हस्बैंड की रेजिडेंसी शुरू हुई, उन्होंने रेजिडेंसी की अपनी, इस दौरान हमारी एक और बेटी हो गई, तो वो अब मेरे तीन बच्चे हो गए, और फिर जो है वो उन्हीं में ही मैं ज्यादा बिजी, फिर आके एक नए मुल्क में सेटल होना, बच्चों को स्कूलों में डालना, एक और बच्चा हो जाना छोटा, फिर उसको संभालना, बच्चों की एक्टिविटीज, वो मैं इतनी बुरी तरह से उस सर्कल में इन्वॉल्व हो गई कि मुझे पता ही नहीं लगा कि इतना टाइम गुजर गया है। तो वो जब हमारी दूसरी बेटी भी हो गई, और मेरी अम्मी उस वक्त मेरे पास आई नहीं थी पाकिस्तान से, तो वो तब somehow एक दिन जैसे आप एक नींद से नहीं जागते, तो मुझे लगा कि आँख खुली है कि ये तो मुझे 12 साल हो गए हैं ग्रेजुएशन किए हुए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 12 साल कहाँ चले गए, मैंने किया क्या है 12 सालों में। तो बस हाँ, तो अम्मी ने मुझे उस वक्त दोबारा बहुत ज्यादा मुझे उन्होंने हौसला दिया, और ये कि तुम जो है ना कर सकती हो दोबारा, अभी भी तुम कर सकती हो। तो वो सारे जो थे ना पुराने वाकयात, वो जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरा बिल्कुल बिगनिंग जो मेरी लाइफ की है वो गांव में थी, और वहां पे माहौल था कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना, तो ऑब्वियसली वो खुद एक जो थी वो एक स्ट्रगल थी कि उसमें से निकल के और आप डॉक्टर बनने तक पहुंचे। तो अम्मी मुझे वो छोटी छोटी बातें रिमाइंड कराती थी कि वो जो है तुम देखो उस मौके पे वो वाली ऑब्स्टिकल तुमने कैसे क्रॉस की थी, और इस तरह करके उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो और फिर उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी, और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे बस मैंने अम्मी के ख्वाबों को क्रश कर दिया, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं जॉब नहीं कर रही, उन्होंने मेरा इतना इतनी ज्यादा मुझ पर मेहनत की थी और मैंने क्या किया। तो बस उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि मैं पढ़ूं, USMLE करूं। हमारी बेटी जब 2 साल की हुई तो मैंने कोशिश की कि उसको डे केयर में डाल दूं और मैं थोड़ा पढ़ूं, लेकिन वो डे केयर में एडजस्ट नहीं हुई, वो इतना रोई, बीमार हो गई और बुरा हाल हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, जहां इतने साल गुजर गए थोड़े साल और सही, अभी 2-3 साल में ये स्कूल चली जाएगी। तो आप लोग डैनविल में थे इस सारे टाइम में, राइट? हम सारे टाइम डैनविल में थे, अमेरिका आने के बाद हम कहीं और मूव ही नहीं हुए, डैनविल में। अच्छा अच्छा सही है, ठीक ठीक। तो फिर इस दौरान हमें भाई रेजिडेंसी कर रहे थे साथ साथ। जी वो रेजिडेंसी कर रहे थे, फिर उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी, फिर जो है वो हम आए थे H1 वीजा पे, और फिर उसके बाद ग्रीन कार्ड हुआ, ये सारा चक्कर चलता रहा। और मैं अपनी ये थोड़ी थोड़ी कोशिश करती थी, लेकिन ना मैं उस जमाने में आपको पता है इंटरनेट भी इतना नहीं था, नेटवर्किंग नहीं थी, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। और दूसरी तरफ बास लोग होते हैं जो एक नॉर्मल USMLE और थोड़ा सा स्ट्रगल के प्रोसेस से गुजर के पहुंचते हैं, तो वो अपनी वाइफ्स को भी थोड़ा बेटर गाइड कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड का रूट कुछ और था, क्योंकि वो यूके से वो ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके थे एज कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने सऊदी अरब में काम किया था, तो उन्होंने, और ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, वो अपनी क्लास के जो थे बेस्ट ग्रेजुएट थे, कुछ 12-14 गोल्ड मेडल्स के साथ और डिस्टिंक्शंस के साथ। तो उनको USMLE का एग्जाम देने के लिए कोई मेहनत नहीं उनको करनी पड़ी थी, उनको सारा कुछ वैसे ही आता था। तो प्रिटी श्योर हमें भाई कर सकते थे। हाँ, बाकी लोग हम लोग तो उनको लगता था कि इसमें क्या मसला है, ये जाके एग्जाम दे दो, जबकि मुझे तो सारा कुछ भूल चुका था, जितना मुझे आता था मैं तो वो भी भूल चुकी।
तो वो फिर वो जब मैं पूरा ढेर देखती थी ना किताबों का कि ये मुझे सारा पढ़ना है दोबारा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा, और फिर वो सब्जेक्ट्स जो हमने पढ़े नहीं हुए थे मेडिकल कॉलेज में, जैसे बिहेवियरल साइंस थी और स्टैटिस्टिक्स थी, हाँ ये चीजें, कि मैं उससे इंटिमिडेट हो जाती थी. वो मैं दो दिन कोई किताब उठा के पढ़ती थी फिर मैं डर जाती थी, छोड़ देती थी, घबरा. तो फिर वो जैसे ना वो अल्लाह ताला बनाते हैं ना थोड़े रास्ते. तो हमारे पास एक फैमिली थी, वो भी लड़का यहीं पे रेजिडेंसी कर रहा था गाइसिंगर में, डैनविल में था. तो वो शादी होके पाकिस्तान से उसकी बीवी आई, वो शी वाज फ्रेश ग्रेजुएट. तो अतिया उसका नाम है, अतिया फरहान. उसने मुझे बताया कि वो जो है ना फोरम्स होते हैं यूएसएमएलई के, तो वहां पे लोग बहुत गाइड करते हैं, तो आप जाके देखें इंटरनेट पे ना. तो मैंने कहा अच्छा. तो वहां पे एक था प्रेप फॉर यूएसएमएलई के नाम से एक फोरम था, मैंने वो जाके ज्वाइन कर लिया और मैंने लोगों की, सो वो एक दैट वाज लाइक अ विंडो टू अ होल न्यू वर्ल्ड, कि लोग कैसे तैयारी करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं जो नए ग्रेजुएट्स हैं. मुझे उससे कैपलन के किताबों का पता लगा कि कैपलन की वीडियोज होती हैं, क्वेश्चन बैंक्स होते हैं. मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं. वाओ, यू डिडंट नो एनी ऑफ दिस के कैपलन, न्यू वर्ल्ड और न्यू बैंक्स? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो डैनविल में ना उस जमाने में लोग भी बहुत कम थे, और कोई मेरी सिचुएशन में लड़की थी नहीं या कोई लड़का जो तैयारी कर रहा हो, और इंटरनेट इतना ज्यादा कॉमन नहीं था, और मेरे हस्बैंड ये इस सारे रास्ते से गुजरे नहीं थे, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था. तो वो अतिया ने मुझे जो वो बताया है ना, सिर्फ एक पॉइंट होता है जो आप किसी से आपको मिल जाता है और फिर वहां से आप उसकी जिंदगी का रुख बदल देता है. बिल्कुल रुख बदल देता है, बिल्कुल. तो फिर आपने प्रेप फॉर यूएसएमएलई से गाइडेंस लेना शुरू की. वहां से मैंने गाइडेंस लेना शुरू की. मैंने पहले तो सक्सेस स्टोरीज पढ़ी, उनमें एक और कोई खातून थी जो के, और कई लोग थे जिनको के काफी काफी अरसा हो चुका था किए हुए, और फिर उन्होंने किया और उन्होंने बच्चों के साथ किया. एक वहां पे खातून थी हमीदी के नाम से लिखा करती थी वो, तो वो ऑलमोस्ट मेरे ईयर की ग्रेजुएट थी, और उन्होंने मुझसे चंद साल पहले अभी रेजिडेंसी खत्म कर ली थी. उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी लिखी हुई थी कि मैं बच्चों को स्कूल भेज के मैं पढ़ती थी, और जैसे ही मेरे बच्चे घर में एंटर होते थे मैं बुक रख देती थी और फिर बच्चों के साथ टाइम गुजारती थी. मुझे ये बड़ा, उनसे मैंने बहुत सारे आइडियाज लिए कि कैसे पढ़ना चाहिए. और जब मैंने ये देखा ना कि हाँ इतनी सी वीडियोस हैं, इतनी सी किताबें हैं, इतने से क्वेश्चंस हैं, ये तो मैं कर सकती हूँ. उससे पहले तो मैं टेक्स्ट बुक्स देख रही थी कि इतनी टेक्स्ट बुक्स मुझे दोबारा पढ़नी. सही सही. वो जब मुझे, हाँ वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए. तो वो भी खैर इतना ईजी नहीं था, क्योंकि इतने अरसे के बाद पढ़ना मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरी पढ़ने की आदत ही खत्म हो चुकी है. मैं बुक पे कंसंट्रेट ही नहीं कर सकती थी, एक सफ़े से ज्यादा एक वक्त में पढ़ा नहीं जाता था. फिर वहां पे उसी फोरम के ऊपर ना स्टडी पार्टनर्स होते थे, तो मैंने फिर बहुत सारे लोगों के साथ पढ़ा. कोई लड़की पढ़ती थी महीना, कोई दो महीने, कोई चार महीने, कोई सब्जेक्ट किसी के साथ, कोई किसी के साथ. तो वो उससे मिल के पढ़ने से मुझे फिर ऐसे हुआ कि मेरा टेम्पो बन गया और मैंने पढ़ना शुरू किया. और फिर मुझे क्वेश्चंस करने में मुझे कंसंट्रेशन जरा ज्यादा रहती थी. वो कवर टू कवर किताब पढ़ने वाला बच्चा मैं पहले भी नहीं थी, और फिर वो इतने गैप के बाद तो ना वो बहुत ही मेरे लिए इम्पॉसिबल ही हो गया था. तो उसमें स्टडी पार्टनर्स ने मेरी बहुत हेल्प की उनके साथ मिल के पढ़ने में. तो बस फिर ऐसे हुआ, मैंने फिर अपना पहला स्टेप दिया था 2011 में, स्टेप वन. ठीक है, सही है. तो उसमें मुझे पूरा यकीन था कि मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि इतने सालों के बाद कौन पास होता है. जी जी. तो वो जब बाहर हाल, लेकिन मैंने देर इस दौरान ना बहुत सारी मेरे जहन में मैं फेजेस से गुजरी हूँ, कि कभी मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ, कभी लगता था नहीं कर सकती, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ. फिर कभी लोग मिलते थे जो कह देते थे कि नहीं नहीं इतने अरसे के बाद रेजिडेंसी किसको मिलती है, आप अगर कर भी लें तो आपके स्कोर्स ही अच्छे नहीं आएंगे, अच्छे आ भी गए तो आपको रेजिडेंसी नहीं मिलेगी. और ना फिर लोग सजेस्ट करते थे कि आप एमपीएच कर लें. एक दफा मैं तो एमबीए करने के लिए ब्लूम्सबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली थी कि मैं एमबीए कर लेती हूँ. वो ना मेरे कुछ स्ट्रक्चर तो होगा ना कि क्लासेस हो रही हैं, आप जा रहे हैं पढ़ने.
वहां फिर मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे हमेशा, नहीं नहीं आपने फील्ड क्यों चेंज करना है, आप डॉक्टर बनिए, आप उसी को कंटिन्यू करें, एक दफा करके तो देख लेना, नहीं होगा तो फिर कुछ और कर लेना। तो फिर मुझे हौसला हो जाता था कि अच्छा ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर कोई और ऑप्शन देखूंगी। तो वो बहरहाल वो इस तरह कर कर आके, और 2001 के अगस्त में मैंने दिया था अपना स्टेप वन, और वो जब रिजल्ट आया तो मेरा 91 स्कोर था। तो मैंने कहा कि थ्री डिजिट में कितना बनता है शगुफ्ता भाजी? थ्री डिजिट में मेरा ख्याल है ये 228 था शायद। अच्छा माशाल्लाह, स्कोर्स तो आपके मुझसे भी ज्यादा थे। अच्छा वो नहीं, खैर जाहिर है वो कोई ऐसा हाई स्कोर तो नहीं था, लोग तो बहुत ले रहे थे उस जमाने, 240s में तो ले ही रहे थे सभी, लेकिन जी जी। वो हर एक ने जो है ना वो अपनी सिचुएशन को देखना होता है, तो वो मेरे हिसाब से बहुत था, जो कि मुझे तो यही यकीन नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगी। तो वो बहरहाल वो आ गया ना, वो 90 का मुझे नजर आ गया ना डिजिट, 90 से ऊपर चला गया है, तो उससे मुझे हौसला हो गया कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने स्टेप टू भी दे दिया, फिर सीएस भी दे दिया, तो ये विद इन 2 years मैंने सारे फिर दे दिए। एक स्टेप जब हो गया ना तो फिर मुझे वो मिल गई, एनकरेजमेंट मिल गई, और बस 2013 में मेरी रेजिडेंसी स्टार्ट हो गई थी। सही। सो बिफोर वी गो टू द रेजिडेंसी, आपके सीके में कितने स्कोर थे, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? सॉरी दोबारा बोलें आपकी आवाज। स्टेप टू सीके में आपका कितना स्कोर था? सीके में मेरा था 220 था, वो बनता था 89 बनता था 2 डिजिट में किस तरह। और सीएस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पास था? हां जी सीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में पास था। और आप 89 की ग्रेजुएट थी? जी मैं 89 की ग्रेजुएट। ये देखें माशाल्लाह, हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारे दरमियान कितने मुअज्जे, कितने इंस्पिरेशनल लोग होते हैं, कि आपने इतनी कुर्बानियां दी, और इट इज लाइक अनहोनी है। मुझसे अभी कोई गाइडेंस लेने के लिए इफ समबडी रीचेस आउट टू मी एंड सेज कि भाई मैं ग्रेजुएशन के 21 साल बाद 22 साल बाद यू नो स्टेप वन दे रही हूँ, तो आई वोंट बी एबल टू बिलीव कि कोई 91 228 you know step 1 में और 220 step 2 में लेगा और CS first attempt में पास करेगा। जो recent graduates होते हैं उनको इतना मसला होता है, तो I think that speaks volumes about your dedication, hard work और perseverance and patience and your resilience। के देखें आपने माशाल्लाह के कमाल, 22 साल after graduation you took the USMLEs और फिर आपको residency मिल गई। What do you think helped the most besides your green card जो कि आपको residency में help हुई? मेरा ख्याल है कि मेरे हस्बैंड की जो हॉस्पिटल में रेपुटेशन थी ना, क्योंकि वो इतने सालों से यहाँ पे थे, रेजिडेंसी उन्होंने यहीं पे की, और फिर हिज नॉलेज एंड हिज डेडिकेशन टू हिज वर्क, तो वो लोग उनसे मतलब एवरीवन न्यू हिम अल्हम्दुलिल्लाह इन द हॉस्पिटल और हर एक रिस्पेक्ट्स हिम। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। हमारी उस वक्त प्रोग्राम थी डॉक्टर हैरिस और थी मेरे हस्बैंड को, उनकी डेडिकेशन को, काम को, एवरीथिंग। तो जब मैंने अप्लाई किया, और हाँ ये भी बात थी कि मैं कहीं और अप्लाई भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के रेजिडेंसी करने कहीं और नहीं जा सकती थी, तो मुझे तो करनी ही सिर्फ गायसिंगर में थी, और मैंने वहीं पे ही अप्लाई किया था। दूसरी चीज जो थी मेरे ख्याल में जो मेरे लिए हेल्पफुल थी, वो मेरा इंटरव्यू था। माई इंटरव्यू वेंट वेरी वेल। अच्छा। वो मुझे ड्यूरिंग इंटरव्यू ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये डॉक्टर हैरिस मुझे दे रही है रेजिडेंसी। तो अच्छा, जिस तरह से अब ये था ना, मुझे यूएसएमएलई की तैयारी शुरू करते हुए मुझे पता नहीं था कि लोग कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या रिसोर्सेज हैं, इसी तरह मुझे इंटरव्यू देते हुए, क्योंकि मैं तो सिर्फ एग्जाम्स में लगी हुई थी, मैं इंटरव्यू की स्टेज तक अभी पहुंची नहीं थी था कि इंटरव्यू की भी तैयारी करनी होती है। अच्छा। तो मैं इंटरव्यू में ऐसे ही चली गई थी, और मैंने वो इंटरव्यू ऐसे ही दिया था जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ऐसे ही मैं डॉक्टर हैरिस से और जो दूसरे इंटरव्यूअर्स थे उनसे मैं इसी तरह बातें करके आ गई थी। लेकिन वो जो डॉक्टर हैरिस ने जो भी इस तरह की क्या आपको इंटरेस्टिंग केस बताएं अपना, और वो कोई मैंने प्रिपेयर किए हुए नहीं थे केस, वो उस वक्त मेरे जहन में जो आ रहा था, मैं मतलब स्पॉन्टेनियसली बस बातें उनसे कर रही थी। तो आई थिंक वो चीज भी उसको क्लिक की थी कि ये सारा कुछ जेन्युइन है, जो वो प्री
वो ऐसे नहीं था कि मैंने रट्टा लगा के नहीं बताया. यू नो आई एग्री विद दैट शगुफ्ता भाजी, क्योंकि मैंने भी ऑनेस्टली कभी भी किसी इंटरव्यू की तैयारी नहीं की. और आई फेल्ट कि देखिए, अगर आप एक नेचुरल बंदे हैं, यू आर स्पॉन्टेनियस पर्सन, तो आपका इंटरव्यू ज्यादा अच्छा गुजरता है. मसला होता है कि इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट और ज्यादा बातें नहीं करते, इफ इट्स नॉट इजी फॉर यू टू डू द स्मॉल टॉक, फिर आपके इंटरव्यूज में ना आप नर्वस हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि बात क्या करो. लेकिन इफ यू आर समबडी हु इज वेरी इजी टू टॉक टू विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो आपके इंटरव्यूज बहुत स्मूथली गुजरते हैं, क्योंकि यू आर कॉन्फिडेंट नो मैटर व्हाट एवर यू आर सेइंग. बिल्कुल. तो अब मुझे फिर बताइए कि फिर रेजिडेंसी कैसी रही आपकी? रेजिडेंसी बहुत मुश्किल थी, स्पेशली फर्स्ट ईयर. अच्छा. जो इंटर्न ईयर था वो तो मैं कह रही थी कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ, ये मैंने क्यों शुरू कर लिया ये सारा. अच्छा. उसमें इतने चैलेंजेस थे. एक तो जाहिर है मुझसे इतने छोटे सब लोग थे, 20-22 साल छोटे, वो ऑलमोस्ट एक अगली जनरेशन थी. और ये वो लोग थे जो कि कंप्यूटर्स के साथ बड़े हुए हैं, और मेरे लिए ये सारी चीजें, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स पे मैंने कभी काम नहीं किया था, वो उसको नेविगेट करना, और फिर जितना डिफरेंस था, मेरा मेडिसिन में हाउस जॉब नहीं था, मैंने मेडिसिन यहाँ आके किया है, और फिर जितना फर्क है पाकिस्तान में निश्तर में और अमेरिका के अस्पताल में, और इनके और उन 20 सालों में जो चेंजेस आ चुकी हैं मेडिकल फील्ड में खुद पाकिस्तान में भी और इवन यहाँ भी, तो दैट वाज अगेन अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी. इस तरह के पेशेंट्स नहीं होते पाकिस्तान में जैसे यहाँ होते हैं, इतनी क्रॉनिक इलनेसेस के साथ, और उनकी ट्रेक हुई हुई है और पैग हुई हुई है और पता नहीं क्या क्या ट्यूब्स जगह जगह डली. मैं तो देख के परेशान हुई कि ये है क्या, मैं इन पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लूं. वो जब मैं करने लगती थी ना शुरू में, तो मैं उस पूरे में गुम हो जाती थी, इतनी क्रॉनिक उनकी कंडीशन साथ होती थी कि मैं प्रेजेंट इलनेस को भूल के उनमें पड़ जाती थी कि ये क्या क्या इसको साथ हुआ है. तो मुझे ना टाइम बहुत ज्यादा लगता था एक केस को प्रिपेयर करने और उसको प्रेजेंट करने में. तो इंटर्न ईयर वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए ये साथ क्योंकि और चैलेंजेस थे, तो उसकी वजह से मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था. मुझे मेरे नोट्स नहीं खत्म होते थे, नोट्स लिखना एक मेरे लिए मुश्किल काम था कि अगले दिन की प्लानिंग मैंने क्या करनी है, और बस बहुत प्रॉब्लम्स हैं. तो वो अक्सर मैं फिर रात को बैठ के फिर मैं अपने पेशेंट्स पढ़ती थी हॉस्पिटल से आने के बाद, देखती थी इनको क्या हो रहा है, बच्चों को खिला पिला के सुला के सब कुछ करके. बच्चे जो है ना मेरे माशाल्लाह उस वक्त तक थोड़े बड़े हो चुके थे ना, तो और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया है मेरे बच्चों ने. अगर ये ना अच्छा. करते ना इतना कोऑपरेट तो मैं नहीं कर सकती. ये इन्होंने मुझसे कभी ये डिमांड नहीं की कि हमें ये पका के खिलाएं या हमें जो है ना वहां लेके जाएं, कुछ नहीं. खुद ही इनको अंदाजा था कि हमारी माँ बहुत बिजी है, तो वो खुद ही कभी फ्रोजन फूड निकाल के खा ली, कभी कोई सैंडविच खुद ही बना लिया. वो बेचारे टीनेजर्स हो गए थे ना, आई थिंक दे वर बाय दैट टाइम, सो इट वाज easier for them to understand. They were not the toddlers or preschoolers anymore. Sahi. To phir aapne residency, how did that go? You finished it? Ko isme eventually first year ke baad baaki cheezein behtar ho gayi? हाँ. तो फर्स्ट ईयर में तो मैं था कि मैं अक्सर रातें 2-3 घंटे से ज्यादा सोई नहीं होती थी जब मैं अगले दिन जाती थी, तो वो मैं अपनी नींद सारी छुट्टी वाले दिन, और छुट्टी भी आपको पता है इंटर्न ईयर में एक ही मिलती है हफ्ते में, तो उसमें मैं सोती थी, और बाकी फिर मैं अपनी पूरी पूरी रात ऐसे बैठ के मैं पढ़ा करती थी पेशेंट्स को, और नेक्स्ट डे की मैनेजमेंट सोचती थी. और तो उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में आई ना, तो लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे ना लोग काफी ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं. तो खैर इक्का दुक्का बीच में और तरह के लोग भी आते हैं, वो भी आए मेरी लाइफ में, और जिनकी वजह से कि मैंने तो एक दफा रेजिग्नेशन लिख के रख लिया था कि मैं जो ये दे दूंगी डॉक्टर हैरिस को सुबह, कि मैं नहीं ये कर सकती. तो मैंने हामिद से कहा कि मैं दे रही हूँ डॉक्टर हैरिस को ये. हामिद ने कहा अभी लिख के रख ले और फिर ना नेक्स्ट मंथ दे देना. That's so smart of Hamid bhai. Typical of Hamid bhai. वो बड़े आराम से ना आपको पेशेंस सिखा देते हैं. That was smart of him. हाँ. तो anyway, वो जब उसमें जो थे ना, मैं बल्कि बहुत ही मेरे साथ जिन्होंने मेरे पहले इन पेशेंट मंथ में मेरी हेल्प की है, जो मेरा अपर लेवल था वो बहुत हेल्पफुल था.
उसने मुझे बहुत चीजें और बड़ी पेशेंस से मुझे सिखाई हैं, और वो मेरी जाहिर है एक मैं उससे बड़ी थी, फिर वो उसके अटेंडिंग की बीवी भी थी और उसने हामिद से सीखा हुआ था, तो वो मेरी इस लिहाज से बहुत रिस्पेक्ट करता था और उसने मुझे बहुत सिखाया, और मैं सलाम करती हूँ उसकी पेशेंस को कि उसने मेरे साथ वो जैसे चला है और मुझे बताया। फिर जो मेरे पहले उस पे डॉक्टर रसन थे मेरे साथ मेरी पहली रोटेशन पे फर्स्ट वीक में, और उन्होंने जो देखा है कि मेरे नोट्स ही नहीं रात तक कंप्लीट होते थे, वो बेचारा फिर नेक्स्ट डे मेरे नोट्स साइन करता था या जो उसने एडिट करने होते, या उसने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर तक मुझे, क्योंकि मैंने इतनी जो मेहनत की थी फर्स्ट ईयर में, दैट पेड ऑफ, तो वो फिर मेरे लिए चीजें आसान हो गई। मैं वैसे भी फिर अपर लेवल बन गई, तो मुझे थोड़ा पढ़ने का भी टाइम ज्यादा मिलने लगा, काम थोड़ा कम हो गया। और थर्ड ईयर तक अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से कि मैं बाकी सबकी पार पे थी, जैसे मेरे बाकी थे कॉलीग्स, मैं उनके लेवल पे पहुंच गई थी। और मेरी इत्तफाक से जो इंटरनल मेडिसिन की मेरी लास्ट रोटेशन थी थर्ड ईयर में, वो भी डॉक्टर रसन के साथ थी, तो वो आपको फीडबैक देते हैं ना बाद में हर रोटेशन के बाद। तो उन्होंने मुझे एंड में बहुत, इट वाज सच अ कमेंडेबल फीडबैक जो उन्होंने मुझे दिया कि मैं, ही सेड कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ये नहीं कर सकता था, मैं भी नहीं कर सकता था। हाँ, कि तुमने इतना इम्प्रूव किया है फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर कि मुझे हार्डली तुम्हारी किसी भी मैनेजमेंट में कुछ भी, मुझे कुछ होता नहीं था कहने के लिए, तुमने इतना लर्न, एंड ऑब्वियसली आई हैव सीन योर हार्ड वर्क। तो वो उसे जाहिर आप बहुत खुश होते हैं ना कि जब दूसरे वो रियलाइज करें कि हाँ, और बताएं आपको, स्पेशली वही बंदा जिसने आपको बिल्कुल पहले दिन देखा हो और जिसने आपको आखिरी दिन देखा हो। तो बस गुस्तावा जी, बात ये कि एकेडमिक अचीवमेंट और एकेडमिक सक्सेस तो अपनी जगह, राइट, मतलब हम लोग ऑफ कोर्स वी आर फैमिली फ्रेंड्स वी मीट, लेकिन ये साइड मुझे भी नहीं पता थी ना सारी, जो सारी आपने बातें बताई हैं। और 22 साल बाद स्टेप्स देना, 24-25 साल बाद आफ्टर ग्रेजुएशन रेजिडेंसी करना, और फिर रेजिडेंसी में इतने सारे चैलेंजेस को फेस करना, यू कैन नॉट डू एनी ऑफ दैट अनलेस यू हैव क्रेजी लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन, पेशेंस, रेजिलियंस इन योरसेल्फ। और वो मेरे नहीं लगता मेरे में, एंड दैट इज द रीजन वी आर डूइंग दीज इंटरव्यूज, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत से ऐसे यंग ग्रेजुएट्स होते हैं, वो अपनी एक एग्जाम के स्कोर लो आने पे या एक अटेम्प्ट पे वो इतना परेशान, वो हिम्मत हार के कश्तियां जला के बैठ जाते हैं। एंड आई वॉन्ट देम ऑल टू सी कि देखें जी, आपके जैसी जीती जाती एग्जाम्पल्स हैं कि हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, हिम्मत कभी नहीं, हिम्मत जब आप हार जाते हो ना तब आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो अब आप मुझे बताइए कि फिर इसके बाद आपने फिर क्या किया जब आपके थर्ड ईयर हो गया मेडिसिन का? उसके बाद मैंने थर्ड ईयर के दौरान ही मेरा मतलब यही इरादा था कि मैंने हॉस्पिटलिस्ट नहीं बनना, फेलोशिप करनी है। अच्छा, तो मैं रूमेटोलॉजी में इंटरेस्टेड थी, लेकिन मेरी जो है ना डॉक्टर हैरिस जो थी हमारी जो प्रोग्राम डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए ना पैलिएटिव मेडिसिन ज्यादा अच्छी रहेगी, तुम आई थिंक ये लोग जैसे इवैल्यूएशंस होती है ना कि आप पेशेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, या तो शी सेड कि आई हैव हर्ड यू टॉकिंग टू पेशेंट्स, और आई थिंक तुम्हारे लिए अच्छी फील रहेगी। फिर मैंने उसी दौरान ही रेजिडेंसी के दौरान ही डॉक्टर मेहता हैं पैलिएटिव की प्रोग्राम डायरेक्टर, उनसे ऐसे ही ने पूछा था कि लाइफस्टाइल कैसा है पैलिएटिव में, और बहुत डिप्रेसिंग तो नहीं है, क्योंकि दूर दूर से यही लगता है कि बहुत आप डिप्रेस हो जाते होंगे पैलिएटिव मेडिसिन में। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बड़ा रिवॉर्डिंग है प्रोफेशनली, और तुम रोटेशन करोगी तो पता लगेगा। मैंने अभी तक रोटेशन नहीं की थी। अच्छा, पैलिएटिव में जो हम करते हैं ना रेजिडेंसी के दौरान, तो मेरी अभी आई थी। तो बस फिर इस तरह मैं पैलिएटिव में आई, वरना मैं रूमेटोलॉजी में सोच रही थी पहले। तो फिर उसके बाद हाँ, तो वो फिर जब मैंने पैलिएटिव भी की तो वो बिल्कुल मेरे साथ वैसे ही हुआ जैसे मुझे मेडिकल स्कूल में गायनी पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैंने की तो मुझे गायनी बहुत अच्छी लगी। इसी तरह पैलिएटिव की तो नहीं है कि मुझे ना पसंद नहीं थी, लेकिन क्योंकि मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था, पता नहीं था मुझे, पाकिस्तान में तो होती नहीं थी जब हमने, तो वो मैंने कुछ भी नहीं, लेकिन जब मैंने रोटेशन ही की है इसमें बाद में, तो मुझे फिर बहुत अच्छा लगा। आई थिंक नहीं है, बहुत अच्छा फील्ड है, और फेलोशिप की तो मुझे और भी अच्छा लगा। तो अब आई डोंट थिंक आई विल गो बैक टू मेडिसिन, आई थिंक फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ इंशाल्लाह पैलिएटिव करूंगी।
तो यू बिकेम अ पैलिएटिव मेडिसिन अटेंडिंग. तो मुझे ये बताइए, तो मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जो पैलिएटिव केयर है? ऑनेस्टली मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर डाइंग और वो बहुत सिक होते हैं. इट्स इट वाजंट डिप्रेसिंग? No, it was not depressing at all. वो जो है ना, that's true कि most of the people are very sick and they are dying. लेकिन अगर आप इसके देखें ना at a bigger picture, तो हम में से हर एक का patient is dying. Eventually तो सबने वहीं जाना है ना. तो ये सिर्फ ये है कि हम उसके बिल्कुल terminal end पे उनको लेते हैं. और इसमें दो parts हैं palliative के. एक तो वो है केयर ऑफ डाइंग, जिसकी वजह से लोग पैलिएटिव को ज्यादा जानते हैं. और दूसरा इसकी सिम्टम कंट्रोल है, जो कि आप बिल्कुल शुरू से, जब से वो कोई सीरियस इलनेस डायग्नोज होती है, उस वक्त से आप उस पेशेंट की केयर स्टार्ट करते हैं. अगर आपको कोई कैंसर डायग्नोज हो गया है, आप हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, COPD है, रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं, तो उनमें उनकी ट्रीटमेंट भी साथ चल रही होती है और साथ आप उनके सिम्टम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं. तो जो सिम्टम मैनेजमेंट पार्ट है और पहले से प्लानिंग करना और उनको ये एजुकेट करना कि आगे क्या आने वाला है और तुम्हारे पास उसमें क्या ऑप्शंस हैं, उनके साथ मिलके डिसीजंस करना कि ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, ये करोगे तो ये हो सकता है, ये एंटिसिपेटेड है, ये करोगे तो ये हो सकता है. तो आपका ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने पेशेंट के साथ बनता है, जो आपके पास कई महीनों से आ रहे होते हैं उनकी फैमिलीज के साथ. और वो आपको अपने दूसरे स्पेशलिस्ट से ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि आप उनका जो, और कई दफा आप ऐसे जाते हैं ना हॉस्पिटल में जो कि एक्यूट सिम्टम के साथ, पेन के साथ पेशेंट को, कैंसर का पेशेंट है और शदीद पेन में है और पेशेंट रो रहा है और उसकी पूरी फैमिली रो रही है बैठी हुई, और फिर आप जब उनके साथ बात करते हैं और उनका वो सिम्टम रिलीव करते हैं, वो इतनी अच्छी फीलिंग है और आपको लगता है कि आपने डॉक्टर बनने का हक अदा कर दिया है इस वक्त. तो इतनी खूबसूरत बात की आपने, माशाल्लाह. तो मुझे ये बताइए, व्हाट ये पैलिएटिव मेडिसिन की जो फेलोशिप है, ये 2 साल की है, राइट? नहीं, ये 1 साल की है. 1 साल की, अच्छा. तो व्हाट हेल्प्ड यू गेट दिस फेलोशिप? अगर कोई इस वक्त रेजिडेंट आपका ये इंटरव्यू सुन रहा है, तो व्हाट शुड दे डू टू मेक श्योर कि उन्हें ये पैलिएटिव मेडिसिन की फेलोशिप मिल जाए? हाँ, मेरा ख्याल, क्योंकि पैलिएटिव की मेडिसिन कोई बहुत कंपेटिटिव फेलोशिप नहीं है, और इसमें अगर आपने, मैं तो क्योंकि उसी हॉस्पिटल में थी और उसी में ही मुझे फेलोशिप मिल गई, तो आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, आपकी डेडिकेशन ही होती है कि वो देख रहा होता है ना आपका. मेरी इंटरनल मेडिसिन की प्रोग्राम डायरेक्टर भी देख रही थी, एंड शी पुट गुड वर्ड फॉरवर्ड फॉर मी टू पैलिएटिव मेडिसिन प्रोग्राम डायरेक्टर. और मेरा ख्याल है कि मेरे केस में सबसे ज्यादा जो, जिस चीज ने हेल्प किया है, वो ये कि मेरी डेडिकेशन और हार्डवर्क लोगों को नजर आ रहा था. सही सही, आई एग्री बिल्कुल. और मैं भी अक्सर ऑनेस्टली, ऑफ कोर्स वी वर फैमिली फ्रेंड्स, लेकिन हॉस्पिटल में आपको देखता था ना, तो आप जब पार्टीज पे इधर उधर मिलते थे, तो आप में बड़ा तहम्मुल और आराम आराम से, लेकिन हॉस्पिटल में यू वर लाइक रनिंग अराउंड फ्लैश की तरह, बहुत तेज 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 सारे काम कर रही होती थी आप. अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि लुकिंग बैक, यू नो, आपने 89 में ग्रेजुएट किया, फिर उसके बाद आप यू नो हाउस जॉब की, आपने एमओशिप की, सऊदीया गई, उधर जॉब नहीं की, फिर उसके बाद यूके में भी आप उससे पहले रहीं, फिर यूएस में आपने 10-12 साल बच्चों के साथ टाइम गुजारा, फिर इतना मुश्किल कि प्रेप फॉर यूएसएमडी से गाइडेंस लेके स्टेप्स करना आफ्टर 22-24 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, फिर मैच करना, फिर फेलोशिप करना, देन नाउ यू बिकेम एन पैलिएटिव मेडिसिन अटेंडिंग. लुकिंग बैक, डू यू थिंक इट वॉज ऑल वर्थ इट, या कभी आता है क्या यार किस मुसीबतों में पड़ गए, नहीं करते तो बेहतर था? नहीं, एब्सोल्युटली वर्थ इट. वो तो मैं तो, हाँ, ये तो बहुत ही, मैं अगर ये ना करती ना, तो एक वो फीलिंग मुझे हमेशा जो रह जाती, जो मुझे तंग करती, कि मैंने वो नहीं किया जो मैं करना चाहती थी, मैंने वो नहीं किया जो मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि ये करे. तो वो, आपको पता है, मेरी अम्मी की डेथ फौरन बाद हो गई थी, मेरी फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद. मेरी, मैं जून में पाकिस्तान गई थी और जुलाई में मैंने 1 महीना अल्लाह ने मुझे दिया कि जो उनकी टर्मिनल इलनेस में मैंने उनके साथ गुजारा. और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये उनकी लाइफ का मिशन था, कि उन्होंने जिस तरह मुझे पूरी जिंदगी मेरा साथ दिया है और मुझे एनकरेज किया है, तो शी सॉ द एंड ऑफ दिस स्टोरी.
तो मैं भी यही कहने लगा था ऑनेस्टली, शायद यही था उनका, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे उनकी. आई एम श्योर कि वो, शी मस्ट बी इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ यू इवन आखिरी लम्हात में भी, कि उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि यू शुड बी प्रैक्टिसिंग अटेंडिंग इन यूएस और आपने माशाल्लाह पूरी की. आई वोंट टॉर्चर यू मोर, लेकिन हम बात करते हैं जी कि अब आप देखिए कि एज अ फीमेल व्हाट वाज योर बिगेस्ट हर्डल थ्रू आउट दिस जर्नी. बिगेस्ट हर्डल यही थी कि जो मेरे जहन में प्लान था वो डिफरेंट था उससे जो कि ग्राउंड रियलिटीज थी लाइफ की. मैंने ये खुद ही अज्यूम कर लिया था कि मैं बस ऐसे ही चलती जाऊंगी और जॉब करती जाऊंगी और हालात सही सही मेरे मुताबिक जैसे मैंने सोचा है वैसे होता जाएगा. मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना अरसा अपने जो मेरा इतना बिलवड फील्ड है मेडिसिन का, मैं उससे दूर बिल्कुल इस तरह हो जाऊंगी कि बिल्कुल ही मेरा जीरो कॉन्टेक्ट, सिवाय इसके कि मेरा हस्बैंड डॉक्टर था, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं रह गया था मेडिसिन से. तो ये मेरा जो एक गैप आया है ना, और जो कि प्लान्ड नहीं था. प्लान्ड होता तो बंदा वो पुरसुकून हो जाता है कि हाँ अब ये मैंने जो है नहीं करना, और वो आपके दिल से वो लगन खत्म हो जाती है. लेकिन वो होना कि मैंने ये करना है और वो हो ना सक रहा होना, वो बहुत बड़ा. सही कह रही, क्या आप मजबूर हो, आप बेबस हो. हाँ, इट्स नॉट बाय चॉइस, वो एक मजबूरी और बेबसी की जिंदगी है कि आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं सकते. बिल्कुल. और उसमें मतलब ये मैं जो अभी जो यंग बच्चियां हैं जो आ रही हैं और करना चाहती हैं, उनके लिए जो मेरा स्टोरी अपनी सुनाने का मकसद है वो ये नहीं है कि मोर देन दिस के वो करें कि जो मैंने किया, इसमें से वो चूज करें कि उन्हें वो क्या नहीं करना जो मैंने किया. मैंने जो सबसे बड़ी मेरा ख्याल है अपनी जिंदगी में गलती की वो ये कि मैंने कोई सॉलिड प्लानिंग नहीं की कि जब मैं पाकिस्तान से निकल के आई तो मुझे एक नई एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है और मैंने किस तरह अपने गोल तक पहुंचना है, वो मैंने नहीं किया. वो उस तरह मैंने छोड़ दिया. अल्लाह का शुक्र है कि वो जिंदगी बहुत अच्छी थी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने ग्रो होते देखा. कहां से यहीं से जो आप कंटिन्यू कर रही थी, गॉट इंटरप्टेड, गो अहेड. उसको लेकिन वो जो एक डिजायर होती है आपके अंदर, एक बर्निंग डिजायर, वो नहीं पूरी हुई. तो अपनी प्रॉबेबली I was going to say कि professional accomplishment जो है उसका ना होना, lack of professional accomplishment, उसकी एक अपनी जगह है, right? एक जगह बच्चों की है, एक घर की है, एक मियाँ की है, और इसी तरह एक profession की है. और अगर आप उसमें successful नहीं हो रहे तो वो खला हमेशा रहता है वहां पे. बिल्कुल तो ठीक है जी. तो ये बताइए कि as an older graduate, relatively, I'm sorry to say, लेकिन देखें बहुत सारे इस वक्त लोग होंगे जो सुन रहे होंगे 10 साल, 5 साल, 15 साल after graduation, और वो हिम्मत हार के बैठे हैं. तो what would you tell them, कि what was your biggest hurdle, how did you overcome that? तो मेरी बिगेस्ट हर्डल तो बस यही थी कि चीजें वैसे नहीं गई जैसे मैंने अपने जहन में सोचा हुआ था, और मैंने इसको बेटर कम्युनिकेट नहीं मैं कर सकी अपने हस्बैंड के साथ कि मैं क्या करना चाहती हूँ और हमें इस पे कैसे अमल करना चाहिए. वो मैंने बस खुद ही somehow assume कर लिया कि बस ऐसे होती जाएंगी चीजें, वो नहीं करना चाहिए. आप जब अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं तो बिगनिंग से ही आप एक प्लान बनाए. ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि 100% चीजें आपकी लाइफ में वैसे ही होंगी जैसे आप चाहेंगे, वो अल्लाह के इख्तियार में होती हैं चीजें, लेकिन एक एटलीस्ट एक रफ ड्राफ्ट आपके पास हो कि आपने अगर USMLE करनी है तो आप कैसे करेंगे उसको, उसको स्टेप्स में ब्रेक करें. अगर वो ऐसी बच्चियां जो कि इस वक्त छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएं कि जब आपका बच्चा सो रहा है आप पढ़ लें, आप कोई घर में हेल्पर रख लें, आपका जो टाइम सफाई करने में खाना बनाने में गुजरता है उसको आप पढ़ाई में गुजारें, बाकी टाइम आप अपने बच्चों के साथ लगाएं. तो ये थोड़ा सा अगर आपको कोई गाइड करने वाला हो, आपकी हल्की सी सपोर्ट हो, वो आप ये कर सकते हैं. ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. मेजॉरिटी तो ऐसे ही करती है कि वो घर और बच्चों के साथ ही स्टेप्स कर रहे होते हैं. आप भी कर सकती हैं अगर आप इस वक्त इस फेज में हैं तो.
तो मुझसे जो गलती हुई वो ये कि मैंने गैप आ लेने दिया, और जब वो एक दफा आपका गैप आ जाता है ना तो उसको फिर कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आपको लगता है कि बाकी सब लोग तो आगे निकल गए, मैं इतना पीछे रह गई। सही कह रही हूँ, सही कह रही है। तो मुझे ये बताइए, इस सारे सफर में एज अ मदर, एज अ वाइफ, व्हाट वाज योर बिगेस्ट हर्डल एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? बस मेरा ख्याल है सिर्फ ये, सिवाय इसके कि जो इतना ह्यूज गैप था, इसके सिवा मेरे सामने और कुछ नहीं था प्रॉब्लम। कि जब मैंने वो स्टार्ट किया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं पढ़ूं कैसे। उसमें मेरा ये फोरम्स ने और स्टडी पार्टनर्स ने और ये मेरी फिर हेल्प की के बैठ के एटलीस्ट मैं पढ़ने लग गई, पढ़ाई में फ्लुएंट हो गई, बुक पढ़ने लग गई। तो जो गैप आने देना था ना इतना बड़ा, वो मेरा बस इशू था। So what helped you the most in your entire journey? I think ke social support ne mere sabse zyada help ki. वो अगर मुझे ना मिलती तो मैं नहीं कर सकती थी। ये जो मुझे अतिया ने बताया कि ये फोरम्स होते हैं और फिर फोरम्स पे जिस तरह लोग सेल्फलेसली एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं, वहां पे बहुत डिस्करेज करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन आप उसमें से पिक करें कि कौन एनकरेज करने वाला है। और फिर मेरी मदर की जो सपोर्ट थी कॉन्स्टेंटली, वो मुझे एनकरेज करती रहती थी कि नहीं 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 तुम कर सकती हो। वो मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था ना पढ़ना अपनी बिल्कुल शुरू की लाइफ में गांव के स्कूल से, और उसके बाद फिर हम लोग शहर गए तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मेरा करा दिया। तो मुझे तो इंग्लिश नहीं आती थी उस वक्त, तो वो जब अम्मी फिर मुझे बताती थी कि देखो तुमने कैसे सीखी थी, तुमने 2 महीने की छुट्टियों में इंग्लिश सीखी थी पूरी और तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आने लग गई थी, तो ये तुम इसी तरह है, ये भी वही है जो तुम। तो इस तरह की छोटी छोटी जो मेरी बचपन की अचीवमेंट्स थी स्कूल की कॉलेज की, वो मुझे बता। तो वो अगर ना होती ना मेरे पीछे तो शायद मैं ये शुरू ही ना करती सारा जर्नी। तो आई थिंक सोशल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर मेरे हस्बैंड, हाँ बहुत ज्यादा, और अगर मेरे हस्बैंड मुझे ये ना कहते ना कि ठीक पहले ट्राई तो कर लो एक दफा फिर कर लेना ये MBA, तो मैं शायद MBA कर चुकी होती। तो पीछे आपके कोई होना बड़ा जरूरी है, जो कि आपको आपकी आप जरा सा घबरा के इधर उधर जाने लगे, कोई भी बंदा आपकी जिंदगी में हो ना आप उसको पकड़ लें, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई फ्रेंड हो जो आपको पॉजिटिव गाइडेंस दे रहा हो, तो आप उसको मत छोड़ें, उसके साथ रहें और उससे एनकरेजमेंट लेते रहें, कोई भी हो, चाहे ऑनलाइन हो, कोई फ्रेंड हो। सही कह रही हैं, नहीं बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मसला ये होता है कि बहुत से लोग एक्यूरेटली सही तरीके से गाइड नहीं करते, कुछ जेलसी होती है कुछ और, तो ये बहुत जरूरी है। ये एक दफा अगर आपको ऐसा बंदा मिल जाए कि जो आपको पता लग गया कि आपको एक्यूरेटली सही गाइड कर रहा है, यू स्टिक टू दैट पर्सन एंड यू डोंट क्वेश्चन दैट पर्सन जजमेंट और गाइडेंस, राइट? अगर आपने किसी को मेंटर बनाया है तो उसकी गाइडेंस पूरी तरह फॉलो करें। और मैं सबको यही कहता हूँ कि देर इज नो राइट वे और रॉन्ग वे, देर आर ऑल डिफरेंट पाथवेज टू सक्सेस, आप किसी का भी लेके जा सकते हो। चले तो मूविंग ऑन, आई थिंक मैं क्विकली समराइज करूंगा। मेरे क्वेश्चंस में मेरे पास लिखे हुए थे कि मैंने आपसे वीजा का क्वेश्चन पूछना था और फाइनेंशियल लिमिटेशंस का, लेकिन वीजा यू गॉट इट फ्रॉम हामिद भाई क्योंकि उनके पास H1 वीजा था, आपको उनके साथ H2 मिला होगा और आपको भी साथ ही ग्रीन कार्ड मिल गया। जब तक मेरी रेजिडेंसी हुई उस वक्त तो मेरे पास सिटीजनशिप थी, तो वो मुझे वीजा का कोई इशू नहीं था। मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे जिंदगी में कभी नहीं रहे, पहले मेरे फादर और फिर मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि एग्जाम की फीस कहाँ से देनी है या ये बुक लेनी है या क्वेश्चन बैंक, अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे हर्डल्स नहीं थे, मेरे डिफरेंट टाइप के हर्डल्स थे। ऑफ कोर्स, तो अब मुझे ये बताइए कि जब ऑफ कोर्स आप अमेरिका में रहते हुए, आपको मेरे ख्याल 12-13 साल हो चुके थे जब आपने रेजिडेंसी स्टार्ट की तब तक, तो डिड यू फील इनिशियली अमेरिका आते हुए यहाँ जब रेजिडेंसी स्टार्ट किया आपने कि यू हैड एनी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेटिंग इन अमेरिकन इंग्लिश, लाइक हाउ वर योर कम्युनिकेशन स्किल्स बिफोरहैंड? नहीं, कम्युनिकेशन मेरी ठीक थी, उसमें मुझे नहीं प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मैं इतने अरसे से एक तो रह रही थी अमेरिका में, तो वो उससे फर्क पड़ा हुआ था। दूसरे वैसे भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी शुरू से ही, मैं डिबेटर रही हूँ और मेरा स्कूल और कॉलेज का बड़ा टाइम मेरा स्टेज पे गुजरा है और मैं ऑल पाकिस्तान डिबेट्स में फर्स्ट आती थी और इस टाइप। तो वो मेरे अंदर एक वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया वो ये थी कि मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था जब मैंने रेजिडेंसी शुरू की है। जो मैंने आपको इंटर्न ईयर के अपने चैलेंजेस बताए उनमें से एक
बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि आई वॉज सरप्राइज टू सी माई सेल्फ कि मैं लोगों से डरने लगी थी. मुझे लगता था कि मैं कुछ गलत कह दूंगी, मैं मुझे आता नहीं है, मुझे मैं इन लोगों की मैं पेशेंट से बात करते हुए डर रही थी फर्स्ट टाइम. तो मैं अपने ऊपर खुद हैरान थी कि ये मैं हूँ, ये मुझे क्या हो गया. तो वो एक और हर्डल थी कि घर में इतना अरसा बैठने से आपका वो जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म होता है. मुझे नहीं अंदाजा था ये. तो ये मुझे रेजिडेंसी शुरू करने के बाद पता लगा है कि ये भी यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, राइट? और फिर वो सेल्फ डाउट जो होता है वो आपकी कॉन्फिडेंस को शैटर करता है. अगर आपका खुद में सेल्फ डाउट ना हो ना, आप गलत भी बात कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस से करते हो. और सेल्फ डाउट जो हो, जो आप सही बात भी कर रहे हो ना, तो आप परेशान नर्वसली बात कर रहे हो, आपको लगता है शायद मैं कुछ गलत कह रहा हूँ. बिल्कुल. अच्छा, मूविंग ऑन, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और अगेन देखें, हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स, रिसेंट ग्रेजुएट्स ये इंटरव्यूज देखते हैं, और हर एक की फाइनेंशियल इश्यूज डिफरेंट होते हैं, राइट? सम पीपल आर ट्राइंग टू, किसी ने लोन लेके पढ़ रहा है, कोई अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है. सो फॉर दैट रीजन, कैन यू, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, कैन यू शेयर के व्हाट इज द नेशन वाइड सैलरी रेंज ऑफ पैलिएटिव मेडिसिन डॉक्टर? हाँ, तो पैलिएटिव मेडिसिन जो है ना, ये कोई हाईली पेड स्पेशलिटी नहीं है. ये ऑलमोस्ट, अगर आप हॉस्पिटलिस्ट बन के आप उतने ही या शायद उससे ज्यादा ही पैसे कमा लें जितने के आपको पैलिएटिव की फेलोशिप करके मिलेंगे. तो अगर तो आप करना चाह रहे हैं पैसों के परस्पेक्टिव से, तो फिर तो दिस इज नॉट अ फेलोशिप फॉर यू. फिर आप हॉस्पिटलिस्ट ही रहें अगर आप इंटरनल मेडिसिन में काम करना इंजॉय करते हैं. लेकिन पैलिएटिव में लाइफस्टाइल अच्छा है कि आपको हॉस्पिटलिस्ट की तरह का इतना ज्यादा काम नहीं होता. काम डिफरेंट टाइप का है कि आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होते हैं, लेकिन आपको हर पेशेंट और उसकी फैमिली के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है. तो अगर आप ऐसे बंदे हैं कि आपको लोगों के साथ बात करने में मजा आता है, तो आपके लिए है ये फेलोशिप, पैसों के लिए नहीं है. और दूसरे ये कि अगर आपने इसलिए करनी है क्योंकि एज अ हॉस्पिटलिस्ट भी आपको फैमिली मीटिंग्स करनी होती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप में ये स्किल आ जाए कि आप रहें हॉस्पिटलिस्ट लेकिन आप पेशेंट्स के साथ बेटर कम्युनिकेट कर सकें, तो फिर ये फेलोशिप आपके लिए है. सही, सही. So, based on what you told me, my understanding is that his salary range is more between like 130,000 to 300,000. You think gross versus end? Okay. Sahi. Absolutely. और जो लोग सुन रहे हैं, keep that in mind कि जब आप इस salary range में काम करोगे, तो you will be paying around 35-40% in taxes. तो do the math कि जितनी भी आपको ये number बन रहे हैं ना, उसमें 35-40% आप tax दोगे. फिर जो बचेगा वो आपके हाथ में आएगा, उसमें से आप मॉर्गेज और ये, आप फाइनेंस वाली हमारी वीडियो सुन सकते हो देखने के लिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ मच मनी यू कैन सेंड बैक होम और डू व्हाटएवर विद इट. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि पूरे सफर में आपके माशाल्लाह इतने सारे चैलेंजेस थे और इतनी आपने मुश्किल का हिम्मत से मुकाबला किया, व्हाट वॉज योर बिगेस्ट चैलेंज फ्रॉम लाइक ग्रेजुएशन फ्रॉम मेडिकल स्कूल टिल यू फिनिश योर फेलोशिप? नंबर वन चैलेंज होता नंबर वन तो क्या था, इतने सारे थे कि और वो सारी उस वक्त जो भी चैलेंज आता था वही बड़ा लगता था. लेकिन आई थिंक सेल्फ डाउट जो मुझ में आया ना, वो खराब चीज थी, वो सबसे खराब चीज थी. वो अल्लाह का शुक्र है एग्जाम्स देते हुए नहीं आया. वो था कि मुझे लगता था फेल हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी वो एक वो था मुझे कहीं पीछे से अम्मी पुश कर देती थी कि हाँ नहीं 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 हो जाओ. तो लेकिन जो मुझे रेजिडेंसी करने के दौरान फर्स्ट फ्यू मंथ्स में स्पेशली जो सेल्फ डाउट था ना, दैट हर्ट मी. वो मुझे ना सोने देता था ना बात करने देता था. तो लेकिन उसका मुझे फायदा भी हुआ कि मैंने फिर ज्यादा मेहनत की और मैंने बार बार अपने आप को रिमाइंड किया कि क्या हो गया है, मैं डॉक्टर हूं, मैं वही एग्जाम्स करके आई हूँ जो बाकी लोगों ने किए हैं, मैं उतने ही स्कोर्स लेके आई हूँ जितने यहाँ मेजोरिटी अमेरिकन ग्रेजुएट्स के होते हैं. तो मुझे इन्होंने रखा है अपने प्रोग्राम में, तो मुझ में कुछ है तो रखा है. तो उससे निकलने में मुझे मैं कहूंगी कि शुरू का एक साल तो लगा मुझे, लेकिन फिर सेकंड ईयर तक ठीक हो गई थी चीजें. चले माशाल्लाह. नहीं, बड़ा माशाल्लाह. देखिए, आपकी अचीवमेंट थी, आप टॉपर थी, आपने जो है डिबेट्स में, यू नो, यू सेड के आपने ऑल पाकिस्तान डिबेट्स में, तो मतलब यू हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग, बट लाइक यू सेड कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते ना, आप घर बैठे होते हो, तो आपका सेल्फ डाउट जो होता है वो आपकी सबसे बड़े अपनी आपकी अपने आप से जंग हो रही होती है, और आपने अंदर की आवाज जो आपको बोल रही होती है ना, आप नहीं कर सकते, आपने पहले तो उसे मारना है, अपने अंदर एक पुख्ता यकीन लाना है कि आई कैन डू इट, चाहे दुनिया का हर इंसान मुझे कह रहा है यू कैन नॉट. और जब आप वो कर लेते हो ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और चीजें भी सही होने लग पड़ती हैं.
तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी मेरा आपके लिए ये है कि इफ यू हैव टू डू दिस ऑल ओवर अगेन, ठीक है, लेट्स से कि समहाउ टाइम मशीन आ गई और हमने आपको वापस भेज दिया है मेडिकल स्कूल ग्रेजुएशन से 89, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? हाँ, मैं ना गैप नहीं आने दूंगी, बिल्कुल मैं कर मैं साथ साथ करूंगी, जैसे मेरे हस्बैंड ने किए ना, जिस जमाने में हम सऊदी अरब में थे और उन्होंने यूएसएमएलई दी है, मैं उस वक्त देती, उनके साथ देती, चाहे मुझे प्रॉब्लम ज्यादा होता, मैं बच्चों के लिए कोई हेल्पर रख लेती। मैंने ये बड़ी गलती की कि मेरा ख्याल था कि माँ को ही, जो कि अब भी मेरा ख्याल है बड़ी हद तक, कि माँ को ही बच्चों को संभालना चाहिए, लेकिन आई थिंक कि उस संभालने की डेफिनेशन मेरे लिए डिफरेंट थी उस जमाने में। मुझे, मैं अब अगर ये करूं तो मैं ऐसे करूं कि एक हेल्पर रखूं जो कि बच्चों के वो काम करे, जैसे उनके कपड़े धो दिए, इस्त्री कर दिए, सफाई कर दी, खाना बना दिया, ये काम वो करे, और जो क्वालिटी टाइम है वो मैं स्पेंड करूं अपने बच्चों के साथ, उनके साथ खेलूं, उनके साथ एक्टिविटीज करूं, और बाकी टाइम जो मैंने घर के कामों में जाया किया उसमें बैठ के मैं पढ़ती और मैं अपनी यूएसएमएलईज देती और मैं यहाँ आते ही जॉब स्टार्ट करती, कि ये जो इतना ह्यूज गैप था वो मुझे कवर ना करना पड़ता। और वही मेहनत आप अंदाजा लगाएं कि 20 साल आपसे आगे निकल गए बाकी लोग, तो वो तो आपसे कहीं के कहीं पहुंच गए और आप उन्हीं 20 सालों को कवर करने में गुजारते हैं अगले कई साल, तो ये चीज आई थिंक कि मैं नहीं होने दूंगी दोबारा। जो लोग ग्रेजुएट कर रही है बच्चियां या जो जितना भी रिसेंटली मैरिड है, किसी के अभी एक दो बच्चे हैं और इस सफर को शुरू कर रही है, सारा यूएसएमएलई का, रेजिडेंसी का या हाउस जॉब का, तो उन यंग फीमेल ग्रेजुएट्स के लिए कोई आपका पैगाम? Absolutely, बिल्कुल। एक तो ये वही मैं दोबारा कहूंगी कि गैप ना आने दें, करती रहें अपने करियर को, अपनी पढ़ाई को, छोड़े नहीं बीच में। अब आप देखें कि आपका जो डे है वो किन चीजों से फिल होता है, क्योंकि जब आप घर में रहते हैं ना, यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम, आपको पता ही नहीं लगता। जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे 12 साल के बाद जैसे ख्वाब से आंख खुली है कि ये चले कहाँ गए इतने साल, तो आप अपने एक एक दिन को एनालाइज करें कि कहाँ आपका टाइम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट हो रहा है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनको आप चाहे इंजॉय करती हो लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उस टाइम को आप अपनी पढ़ाई पे लगाएं और आप अपने डे को बेटर मैनेज करें। अगर आपके हस्बैंड, बहुत सारी बच्चियां मैं जानती हूँ कि उनके हस्बैंड अटेंडिंग्स हैं और वो पढ़ रही हैं, तो अटेंडिंग की सैलरी में आप आराम से एक हेल्पर रख सकती हैं, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, आप उससे ज्यादा कहीं ज्यादा कमाएंगी बाद में, तो आप उस वक्त वो पैसे उस पे खर्च कर लें और अपनी पढ़ाई और अपने बच्चे, इन दो चीजों को आप ना निग्लेक्ट होने दें। एवरीथिंग एल्स कैन वेट, पार्टीज और घर की सफाई और कुकिंग एंड एवरीथिंग वेट, तो आप बस ये गैप नहीं आने दें और अपना एक जो एक रफ ड्राफ्ट है अपनी लाइफ का वो आप अपने जहन में रखें कि ये मेरा गोल है। अगर तो आप इसमें खुश हैं कि आपने नहीं करना तो बस ठीक है, फिर आप उस तरफ हो जाए, बीच में मत लटकी रहें कि आपने करना भी है और आप कर भी नहीं रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है इतना ज्यादा गैप आ जाना। और क्या करना चाहिए, बस आई थिंक यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप उसमें लग जाए और सबको खुश करने की कोशिश करना छोड़ दें, ये भी ना करें कि सबके साथ बिगाड़ के बैठ जाएं, लड़ना झगड़ना भी ना शुरू करें, लेकिन ऐसे नहीं करें कि आपने अपने पड़ोसी को भी खुश रखना है और दोस्त को भी और रिश्तेदारों को भी, और ये आप नहीं कर सकते, वो आपको ना एक बैलेंस लाइफ में रखना पड़ेगा। जी, थैंक यू वेरी मच गुप्ता बाजी फॉर शेयरिंग दैट, दिस वाज इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल एंड थॉटफुल एक्चुअली। मतलब ऑनेस्टली पता है क्या, जैसे मैंने फिर बोल रहा हूँ, हम लोग मिलते हैं इतना तो आपको पता नहीं होता ना एक दूसरे की मिजरीज, एक दूसरे की स्ट्रगल्स, और दैट्स वाई वी डिड दिस सीरीज, कि हम जो अमेरिका में बैठे इस वक्त जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, चाहे वो रिसेंट ग्रेजुएट हैं, ओल्डर ग्रेजुएट हैं, चाहे वो कोई सर्जन है या पैलिएटिव मेडिसिन का डॉक्टर है, वो हर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल से गुजर के आया। और ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका आते हैं तो डॉलरों के दरख्त होते हैं और डॉलरों की बारिश शुरू हो जाती है और लाइफ में कुछ नहीं, दो बड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, एंड दैट इज द होल रीजन आई स्टार्टेड दीज डूइंग दीज इंटरव्यूज, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू नो यू केम फॉरवर्ड एंड you know, shared your journey, क्योंकि you're the first female, बाकी जो जितनी भी female doctors हैं, मैं जिससे पूछता हूँ, they're all shy, लेकिन hopefully you will, this will encourage more people to come.
तो थैंक यू वेरी मच गुस्तावा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए. No, thank you, Umar. Thank you for having me. Shukriya. Chale, inshallah, we'll talk again. Theek hai ji? Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.